हमीरपुर के वार्ड नंबर 4 के निवासी अजय सोनी वैसे तो पेशे से स्वर्णकार का काम करते हैं और बचपन से ही हिंदी लिखने का उन्हें काफी शौक रहा है, लेकिन जब वह 9वीं कक्षा में पढ़ते थे तब अपने गुरु रतन शान के मार्गदर्शन में हिंदी लेखन में सुधार करके कंप्यूटराइज प्रिंट की तरह हिंदी लिखने में सफल हुए। तब से लेकर अब तक अजय सोनी ने हिंदी को सुंदर ढंग से लिखा कि देखने वाला देखता ही रह गया। अजय सोनी ने कई छोटी किताबें भी हिंदी भाषा में लिख रखी हैं और खाली समय में अपनी लिखावट को और बढ़िया करने के लिए तत्पर रहते हैं। अजय सोनी ने बातचीत में बताया कि भगवान की ही देन है, इतना सुंदर हिंदी में लिख लेता हूँ। साथ ही अपने गुरु रतन शान की बदौलत भी हिंदी लेखन के लिए मार्गदर्शन मिला है। अजय सोनी ने आज के समय में हिंदी के प्रति घटते रुझान पर चिंता व्यक्त की और कहा कि बच्चों की हिंदी बहुत खराब हो गई है, जिसे देखकर दुख होता है। लोगों का आशीर्वाद और कुछ गॉड गिफ्ट और कुछ मेरी थोड़ी सी मेहनत, मेरी मेहनत थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है, पर जो गुरु गुरु होता है। जब 9th में पढ़ता था 87 में सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज स्कूल में पढ़ता, श्री हमारे श्री रतन शान जी टीचर थे तमिल, तो शौक तो मेरे को उस समय जागा था पर राइटिंग में सुंदर नहीं थी। पर आज के दौर में जब जैसे 1-2 साल हुए तो मैं वो शौक मेरे से जागा और मैं उनके पास गया, उनको पूछा मैंने सर मैं ये राइटिंग सीखना चाहता हूँ, तो उन्होंने मेरे को बोला बेटा ये प्रैक्टिस ही कर सकते हैं आप, तभी राइटिंग सुंदर, ये आपकी जो लिखावट सुंदर आ सकती है। मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी और धीरे धीरे मैं इस अपनी जो मेरी मातृभाषा है इसको मैं बिल्कुल सुंदर ढंग से लिख सका और आज के दौर में मैं बड़ा सुंदर लिखता हूँ। मैं नहीं बोलता मेरे से बड़े बड़े भी होंगे पर मैं जितना कंप्यूटर की राइटिंग उतना सुंदर लिख सकता हूँ और अखबार का जितना प्रिंट होता है उससे छोटा लिख सकता हूँ। आप यहाँ देख रहे हो और ये मेरे हाथ से लिखा हुआ है, यहाँ मैंने कोई लाइन नहीं लगाई या कुछ नहीं लगाया, दिन भर मैं सुनने का काम करता हूँ पर मैं अपनी इस मातृभाषा को मैं रात को 12-1 बजे तक जाट में लिखता हूँ, घर में जाकर मैं जरूर प्रैक्टिस करता हूँ। हालांकि मैं बहुत सुंदर लिखता हूँ पर फिर भी मैं प्रैक्टिस जरूर करता हूँ। अजय सोनी ने बताया कि दिन भर सोने बनाने का काम करता हूँ और देर रात तक हिंदी लिखने के लिए प्रैक्टिस करता हूँ ताकि और सुंदर लिखा जा सके। सोनी जी, आजकल के बच्चों जैसे अच्छी राइटिंग नहीं कर पाते, तो क्या लगता है आपको? मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा अध्यापक थोड़ा सा अगर बच्चों के ऊपर थोड़ा सा जोर डालें तो उनकी लिखावट जो है सुंदर बन सकती है। अध्यापक थोड़ा सा समय निकाल के ब्लैक बोर्ड पे लिखें और से लेकर गेहूँ तक अगर लिखना शुरू कर दें तो मैं चाहता हूँ कि अगर और से लेकर गेहूँ तक अगर सुंदर लिखेंगे तो बच्चे को रोज आके उनको बोला जाए कि ऐसा एज इट इज लिखो, वो लिखना शुरू करेंगे तभी बच्चे सीखना शुरू करेंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल। क्योंकि अंग्रेजी पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, बच्चे जो है इस भाषा को भूल गए हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मोबाइल भी कम हो जाए और बच्चे थोड़ा सा घर में जाके, मैं माता पिता से थोड़ी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक कागज के ऊपर रोज कुछ ना कुछ लिखाएं, विचार लिखाएं, कुछ भी लिखाएं।